हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 28 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि इनमें से कौन से स्टेप की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होगी। फर्स्ट, फार्म सब्सिडी। सेकेंड, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। थर्ड, रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, थर्ड ओनली। अब देखिए, फार्म सब्सिडी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, सो इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग और मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी फेसिंग डेफिसिट, राइट। सो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप है दैट विल रिड्यूस। अगर मान लो कि ये गैप जो है वो नेगेटिव में है, तो यहां से फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। सो फार्म सब्सिडी से फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन यहां पे क्या लिखा है दैट इट विल लीड टू रिडक्शन। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट बोरोज फंड फ्रॉम द आरबीआई, राइट। सो यहां से उनका डेट जो है वो इंक्रीज होगा एंड हेंस इट विल फर्दर वाइडन द फिस्कल डेफिसिट। तो ये सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दे तो मतलब कि यहां इन दोनों के बीच में जो गैप है वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो सकता है एंड दैट विल लीड टू रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट। सो थर्ड इज करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी सी। सो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी कॉम्पेंसेशन पे करना बाकी है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आइदर दे हैव टू बोरो फंड फ्रॉम द आरबीआई, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो मार्केट में से डेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए थे, और ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है इस वजह से न्यूज में है बिकॉज मैनी स्टेट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स फॉर मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस अंडर दिस पेंडेमिक। सो क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, करंटली FRBM एक्ट पुट एम्फेसिस ऑन वाइपिंग आउट रेवेन्यू डेफिसिट। सेकेंड, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज गवर्नमेंट कैन डेविएट फ्रॉम द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट अंडर FRBM एक्ट। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। फर्स्ट जो है वो भी इनकरेक्ट है, सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब देखिए, FRBM एक्ट जब बनाया गया था इन 2003, तो उसके अंदर ये क्लॉज था कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको खत्म करना है, दैट मींस इट एम्स टू वाइप आउट रेवेन्यू डेफिसिट। बट इन 2012 द FRBM एक्ट वॉज अमेंडेड एंड देन द टारगेट वॉज रिप्लेस्ड बाय इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। सो रेवेन्यू डेफिसिट का अभी टारगेट नहीं है, अभी गवर्नमेंट को इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर टारगेट करना होगा। सो यहां पे करंटली वर्ड जो है, इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जब 2020 का बजट डिक्लेयर हुआ तो उसके अंदर FRBM के अंदर गवर्नमेंट ने 0.5% का एस्केप क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब एस्केप क्लॉज का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ नेचुरल कैलामिटीज या फिर कोई एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिचुएशंस है, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट से 0.5% तक डेविएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर टारगेट 3% का है, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3.5%। सो ये एस्केप क्लॉज जो है वो 2020 के बजट के अंदर अनाउंस किया गया था, और यहां पे ये लिखा है कि गवर्नमेंट टारगेट से डेविएट नहीं हो सकती अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इस वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सो आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है वहां पे भी जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एस्केप क्लॉज का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशंस पॉलिसी जो है उसके प्रोविजन थे, बट ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इनमें से किसके लिए ये प्रोविजन जो है वो थे? फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड गवर्नमेंट जॉब्स एंड फोर्थ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए लेजिस्लेचर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों रिजर्वेशन को मेंशन नहीं किया है, बिकॉज दे वर एडेड इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरी चीज कि इन दोनों रिजर्वेशन के लिए जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15 एंड 16, तो इस दोनों आर्टिकल में कहीं भी टाइम लिमिट जो है वो मेंशन नहीं की गई है। बट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन सीट्स वर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज ओनली फॉर 10 ईयर्स, दैट इज अप टू 1960। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर होगा ए। और डी की अगर हम बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं, सो आवर आंसर विल बी ए। सो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिया है कि दे कैन हैव रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन फॉर एस सीज एंड एस टीज। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट्स चाइनीज एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज मैकमोहन लाइन नेगोशिएटेड इन सिमला कन्वेंशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट है, बट इट इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज ओनली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट, सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इट इज नॉट नोन एज मैकमोहन लाइन। एक्चुअली उसके तीन सेक्टर है और उसमें से जो अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, जिसको सिमला कन्वेंशन के अंदर बनाया गया था। सो अवर आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉर टू। सो अगेन इंडिया ने ये क्लियर इंडिकेशन दिया है कि रेस्टोरेशन ऑफ पीस ऑन LAC की टू टाइज, मतलब इंडिया एंड चाइना के बीच में अगर रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो LAC के ऊपर पीस सिचुएशन जो है दैट इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? फर्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स गिव्स स्टेटस ऑफ PVTG टू एनी ट्राइबल ग्रुप। सेकेंड, दीज ग्रुप्स वर फर्स्ट क्रिएटेड बाय ढेबर कमीशन। थर्ड, दे आर मोस्टली होमोजिनस विथ स्मॉल पॉपुलेशन। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, बिकॉज ये जो PVTG का स्टेटस है दैट इज अकॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय NCST। तो हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि ढेबर कमीशन ने 1973 के अंदर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये ट्राइबल ग्रुप को क्लासिफाई किया था। देन इन 2006 गवर्नमेंट रिप्लेस्ड दिस PTG विथ PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो सेकेंड बी जो है वो करेक्ट है, सी जो है वो भी करेक्ट है, उसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक है एंड दे आर मोस्टली होमोजिनस विथ स्मॉल पॉपुलेशन। तो हमारा आंसर होगा ए। सो आंदामान के अंदर जो ग्रेट आंदामान ट्राइब है वहाँ पे COVID-19 जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, और ग्रेट आंदामान ट्राइब इस वजह से न्यूज़ में है बिकॉज इट इज ऑल्सो PVTG। PVTG के बारे में एक और चीज़ कि लास्ट ईयर PVTG के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, देर आर नो एक्टिव वॉल्केनोज इन मेनलैंड इंडिया। सेकेंड, आंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
अब देखिए मेनलैंड इंडिया की बात करें सो देर आर नो एक्टिव वॉल्केनोज। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर दो एक्टिव वॉल्केनोज है, वन इज बैरन आइलैंड्स एंड द अदर इज नारकोंडम आइलैंड्स, राइट। तो ये दोनों आइलैंड्स जो है दे आर एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ इंडिया, दे आर ओनली एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, काफी आसान स्टेटमेंट है कि आंदमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसको सेपरेट कौन करती है, 10 डिग्री चैनल। सो अवर आंसर विल बी सी बोथ 1 एंड 2। अगेन आंदमान निकोबार जो है वो न्यूज में है इस पर्टिकुलर ट्राइब की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, ईच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर विथ एटलीस्ट वन नेबरिंग कंट्री। सेकेंड, थ्री ऑफ देम शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। अब देखिए अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आप मैप देखेंगे सो सभी स्टेट जो है वो किसी ना किसी नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज बांग्लादेश के साथ टोटल 4 स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, दे आर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यहां पे 3 स्टेट लिखा है इस वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आवर आंसर विल बी ए, वन ओनली। सो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वो न्यूज में है। एक तो अरुणाचल प्रदेश जो है इट इज डिमांडिंग 6 शेड्यूल्ड स्टेटस, फिर नागालैंड के अंदर अभी जो नागा पीस टॉक्स है वो चल रही है इस वजह से भी ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीएसटी। जीएसटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इज ऑथोराइज टू क्रिएट जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A। सेकेंड, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल वोटिंग पावर्स इन जीएसटी काउंसिल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट इज द ऑथोरिटी टू एस्टैब्लिश जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको एस्टैब्लिश कौन करता है, प्रेसिडेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वोटिंग राइट है 1/3 एंड 2/3 वोटिंग राइट इज अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो अवर आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉर टू। अगेन जीएसटी जो है कॉम्पेंसेशन की वजह से न्यूज में है और काफी सारे स्टेट्स जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कि दे शुड पे जीएसटी कॉम्पेंसेशन विद इन अ टाइम लिमिट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज अ सिस्टम अंडर विच जजेस ऑफ ओनली सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय सीजेआई एंड 4 अदर जजेस। सेकेंड, द नेम्स रेकमेंडेड बाय कलेजियम फॉर द सेकेंड टाइम आर बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है कि यहां पे ओनली वर्ड लिखा है। कई बार ऐसा होता है इन 90% केसेस ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स है ओनली है ऑल, तो ये सब वर्ड्स जहां पे होते हैं ऐसे स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं। अब इस पर्टिकुलर कलेजियम सिस्टम के अंदर रेकमेंडेशन के अंदर जो पैनल है वो यहां पे करेक्ट है कि सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, बट यहां पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जज भी, उनके नाम भी रेकमेंड किए जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि अगर मान लो कलेजियम ने किसी जज का नाम रेकमेंड किया है या फिर किसी लॉयर का नाम रेकमेंड किया है, अगर सेकेंड टाइम वो रेकमेंड करते हैं देन इट बिकम्स बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आवर आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। सो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस के बारे में, प्रशांत भूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है और द एडिटोरियल इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। तो ये अच्छा एडिटोरियल है जिसके अंदर ज्यूडिशियरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आप इसमें से आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के कंपोनेंट्स है उसमें से यहाँ पे कौन से करेक्ट हैं? फर्स्ट डिजी डॉक्टर, सेकेंड हेल्थ आईडी, थर्ड ई फार्मेसी। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों कंपोनेंट्स जो है वो करेक्ट है। अब देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है जिसको लॉन्च किया गया अंडर रिसेंट 74th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो उसके टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, तीन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा टेलीमेडिसिन इज ऑल्सो देयर, देन प्रोटेक्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एंड देन देयर इज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, सो देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। सो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक कंपोनेंट है डिजिटल हेल्थ आईडी, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या इंडिया की प्राइमरी हेल्थ केयर इको सिस्टम जो है वो उसके लिए रेडी है या नहीं, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।